अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी नाश्ता वगैरह करके हटी हूँ। नाश्ता वगैरह कर लिया है अभी। मैं बस अपना लेके आई हूँ अबाया, इसको पहनते हैं, हिजाब वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं मार्केट। रूम की बहुत बुरी हालत हो रही है, सारा समेटने वाला है क्योंकि कल रात बाजी और बच्चे आए हुए थे, तो सारा कुछ ये सामान भी ये फिशल भी बच्चों ने निकाले हुए हैं मेरे। यहाँ पे पड़ी हुई थी, सट के हुए थे, बच्चों ने निकाल दी खेलते खेलते। तो मैं बस अभी जल्दी से मार्केट का काम ख़त्म कर लूँ, 11 बज रहे हैं, फिर आते ही बाकी के काम करेंगे, सफाइयाँ वगैरह, सफाई वगैरह करूँगी। अब आया, मैंने पहन लिया था तो मैं लिस्ट निकाली थी, मैंने रात को बैठ के लिस्ट बनाई थी जो सामान चाहिए था, तो मैंने कहा ये भी रख लूँ कहीं भूल ही ना जाऊँ, तो मैंने इसको पेज कॉपी से निकाला, देन इसको फोल्ड करके अभी मैं बैग में रख रही हूँ। रख के बस फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। मार्केट नहीं जाना, मैंने मार्ट जाना है, सिर्फ मार्ट का ज़्यादा काम है, सारा काम मेरा मार्ट का है। मार्ट से मैंने स्टेशनरी वगैरह का सामान वगैरह लेना है। मुझे जो जो सामान चाहिए था मैंने वो निकलवा लिया था, अपना बास्केट्स में उन्होंने डाल दिया था। बाकी मैं फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, व्लॉग बनाने लग गई थी मैं। उसके बाद मेरा भी चीज़ों वगैरह लेनी थी कुछ ना, वो मैं फिर जाके मैंने कहा लेती हूँ। बाकी सामान तो मेरा यहाँ पर हो गया है, बाकी मैंने अपनी पेट पूजा के लिए खाने पीने के लिए चीज़ें वगैरह लेनी है, मैं वो सामान रख के फिर मैं इधर आ गई थी इस वाले पोर्शन में आके मैंने चीज़ें वगैरह ली। अच्छा, जब भी मार्ट में आओ ना, इनकी जो चैटिंग चेंज हुई होती है, चीज़ें वगैरह भी मैंने ले ली थी। उसके बाद मेरी चॉकलेट वाली साइड से आ गई थी, चॉकलेट देख ली थी। इसका फिल्ला चॉकलेट इतनी ज़्यादा महंगी हुए हैं, बल्कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हुई हुई है। चीज़ें वगैरह सारी कलेक्ट कर ली थी हमने, मुझे दो तीन चीज़ें नहीं मिली थी। मैं काउंटर पर आ गई थी, बिल बनवा रही थी अपना, आ गए थे आके, मैंने बस रूम की सफाई वगैरह की, आके सफाई में लग गई, फिर खाना वगैरह खाया, खा के अभी फ्री हुई हूँ बस। मैं अभी मैं ये जो सामान है वो खोलती हूँ, उसको देखूँ। कुछ चीज़ें मेरी रह गई हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मुझे मिल गई हैं, कुछ रह गई हैं बस। तो अब नेक्स्ट चक्कर जाऊँगी फिर लेके आऊँगी, क्योंकि वो मार्ट से मुझे मिली नहीं थी। मुझे आइसक्रीम स्टिक्स वगैरह चाहिए थी, बीट्स वगैरह चाहिए थे, वो चीज़ मुझे नहीं मिली। ये काम स्टार्ट किया है, मतलब लाइक इसमें ना मैं प्लेट्स वगैरह बनाया करूँगी, रिंग वगैरह रखने के लिए, पेन वगैरह रखने के लिए प्लेट्स वगैरह, पेन भी डेकोरेट वगैरह करूँगी। फ़िलहाल ये तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने इसके ऊपर फ्लावर बना के वो लगा दिया था। बाकी मैं पेन वगैरह भी बनाऊँगी। मैंने एक एक चीज़ बनाई हुई है सैम्पल के तौर पर, ताकि कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको मतलब दिखा सकूँ। ठीक है, एक ही मैंने प्लेट बनाई थी और ये पेंटिंग की है, ये मैंने पेंटिंग की है उसके ऊपर, ये जो केक वाला गत्ता नहीं होता उसके ऊपर की हुई है। वैसे तो ये पेंटिंग जो होती है ना कैनवास के ऊपर होती है, मैंने ना गत्ते के ऊपर की है क्योंकि मेरे पास गत्ता पड़ा था, तो मैंने गत्ते के ऊपर ही की है। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, ये मुझे ऑर्डर आया था तो ये उनके लिए बनाया है मैंने। ये अभी थोड़ा सा काम रहता है, इसके पीछे शीट लगनी है, डबल टेप लगनी है, इसके ऊपर कवर आएगा, तो अभी थोड़ा बहुत इसका काम रहता है। बाकी ये मैंने वैसे ही खुद ही बनाई थी। मैं देखना चाह रही थी कि मतलब ये गत्ते के ऊपर पेंटिंग कैसी हो रही है, बन रही है या नहीं बन रही है, अच्छी लगेगी या नहीं, तो इसलिए फिर मैंने बनाई थी। पेंटिंग्स वगैरह देखी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अदर पेज पे जाके मैंने देखी थी, कैनवास पे पेंटिंग्स वगैरह जो सेल कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, 2000 में, 3000 में। इतनी छोटी छोटी सी कैनवास उनका होता है, कोई मीटर्स वगैरह होते हैं तो उसके हिसाब से, मतलब छोटी थोड़ी बड़ी उसी, तो वो उनकी रेंज कहाँ से स्टार्ट थी, 2000 से स्टार्ट थी, थोड़ा हुआ था कैनवास। ये पेंटिंग टोटली बनी हुई थी, ये ना जो भी इसने ड्रॉ किया हुआ था सारा सीन, फ्लावर्स पीछे, घर वगैरह ये सब कुछ बना हुआ था, सिर्फ इसमें वाटर कलर नहीं हुए हुए थे, तो ये मैंने खुद ही किए हैं। मेरे पास पड़े हुए थे, ये मेरे चाचू लाए थे दुबई से, तो मैंने इसको बनाया, बना के मैंने रखा। मैंने कहा देखो मुझसे पेंटिंग होती है, मैंने फर्स्ट ये वाली पेंटिंग की थी कैनवास के ऊपर और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हुई थी पेंटिंग। मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखें, मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर शिमर फेंकी थी
थोड़ा ग्लिटर, मैंने कहा शाइनिंग शाइनिंग सी हो जाए। जो पेंटिंग्स देखी थी ना वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, बहुत ज़्यादा उनकी रेंज थी। तो अभी मैं कैनवास वगैरह मंगवाए हैं, मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, मेरे कुछ दिन तक ऑर्डर आ जाएगा तो फिर मैं उसके ऊपर स्टार्ट करूँगी। मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं उसके ऊपर स्टार्ट करूँगी। और वो शीशे में नज़र आ रहा होगा, वो बॉटल मैंने खुद बनाई है, एक ऊपर वो रही और एक ये शीशे में नज़र आ रही है कि ये रही, ये भी मैंने खुद बनाई है। मैंने स्टार्टिंग में फ़र्स्ट वाला यही बनाई थी तो मैंने ये दिखाया, मुझे इसके भी दो ऑर्डर्स आए हैं। तो मैं बस अब लाइटिंग का वेट कर रही हूँ, तो लाइटिंग मेरे पास आ जाए। ये जो छोटी छोटी लाइट्स है ना, ये मेरे पास दो पड़ी थी तो मैंने ये खुद के लिए बनाया था, फिर मैंने लाइट्स मंगवाई हैं, मेरे कुछ आ जाएंगी तो फिर मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। दो इस बॉटल्स का मेरे पास ऑर्डर आया था और एक उसका आया था, एक तो मैंने कम्प्लीट कर दिया, उसका थोड़ा बहुत काम रहता है वो करके फिर दूँगी। और वो वाली जो पेंटिंग मैंने बनाई है, वो बनाई है मैंने 500 उसकी चार्जेस बोला था उनका, मैंने कहा 500 उसके चार्जेस हैं। वैसे पेंटिंग्स जो कैनवास पर बन रही हैं उनकी उनकी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। उस पर जब बनाऊंगी उसके ऑर्डर्स मेरे पास आएंगे, उस पर बनाएंगे तो उसके लिए जो उसकी चार्जेस वगैरह होंगे ना वो इससे चेंज होंगे। ये तो मेरा चलो गत्ते पर था और जानने वाली थी तो मैंने फिर इनको इतनी ही प्राइस में बताई है। और पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, देख के पेंटिंग देखते ना ऐसे लगता है ये आधे घंटे काम होगा लेकिन 2-3 घंटे आप लोग कहीं नहीं जाते। मैंने ये बनाई है, मुझे 3 hours लग गए थे इसको बनाने में, और इस प्लेट को बनाने में मुझे 5 घंटे लगे हैं। ये जो छोटे ये फ्लावर्स ही हैं ना, ये मैंने खुद बनाए हैं रिबन के साथ, ठीक है, रिबन लिया था मैंने, उसके साथ बनाए मैंने ये वाले खुद। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मेरी तो कमर टूट गई थी और अगले दिन मुझे पूरे बॉडी में पेन हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि मुझे फीवर हो रहा है, बहुत बुरी हालत हो रही थी। मैंने टैबलेट वगैरह खाई, फिर अगले दिन फिर मैं ये लेके बैठ गई तो मेरा अगले दिन भी यही सीन था। एक तो मेरा गला भी ख़राब हो गया, ऊपर से फिर ये बैठ बैठ के बनाने में इतना टाइम लग जाता है। अल्लाह करे मेरा काम स्टार्ट हो जाए। मैं इंस्टा का लिंक भी लगा दूँगी, इसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे, अगर किसी ने बनवानी हो, कुछ भी बनवाना हो, गुलदान वगैरह लाइक फ्लावर्स, पेंटिंग, प्लेट वगैरह कुछ भी आप लोगों ने बनवाना है तो बनवा लीजिएगा। लाइट दफ़ा हो गई है, मैं अभी वीडियो बनाने लगी थी, सामान खोलने लगे थे तो लाइट चली गई है। मोबाइल कवर है, मोबाइल कवर के ऊपर भी मैंने पेंटिंग की थी, ये तो ऑलरेडी बनी हुई थी ना, ये बनी हुई थी डॉल जो बनी हुई ना, ये मैंने पेंटिंग करके इस पर नेम वगैरह लिखा, बाकी इसकी आउटलाइन वगैरह दी थी। एक और था मैंने उसको वॉश कर दिया क्योंकि मेरे पास एक ही कवर था, मैंने उसके ऊपर और बनाना था तो उसको मैंने वॉश कर दिया। बाकी मैं पिक्चर वगैरह जो है वो मैं शेयर कर दूँगी इधर। तो जिन्होंने बोला है, एक मेरी भाभी ने बोला, एक मेरी फ्रेंड ने बोला कि मुझे भी कवर पर हमें भी बना के दें, मैंने कहा मुझे कवर दे दिएगा बाकी मैं बना दूँगी। बहुत ज़्यादा तमाशा कर रही है, अभी मैं लाइट ऑन करके आई हूँ तो लाइट आ गई है, अब मैं लाइट ऑफ नहीं कर रही, चलती रहे। ताहिर मठ गया था आज, सामान लेके आई हूँ सारा, बहुत ज़्यादा ख़त्म हुई थी सारी चीज़ें जो मैंने बनानी थी, ऑर्डर्स वगैरह जो आए थे उनको पैक वगैरह करना था, उनके लिए शीट्स वगैरह चाहिए थी मुझे, ये शीट्स वगैरह उनके लिए ही लाई हूँ, ये भी पैक करके फिर उनको भेजूँगी। ये एक गिलास है, मैंने वाटर कलर लिए थे तो इसके साथ मतलब ये मुझे फ्री मिला है, इसको सबको एक बार कल्टी ही कर लेती हूँ फिर ही एक एक करके दिखाती हूँ सामान। ये मैंने ग्लेस पेपर लिया था, इसकी नीड है मुझे क्योंकि जो कैनवास पे जो पेंटिंग वगैरह बनेंगी ना वो पेज पे बना के फिर उसको यहाँ पर ना ग्लेस पेपर कह रही हूँ, कार्बन पेपर से उसको करना पड़ेगा, छापना पड़ेगा। बाकी एक ग्लिटर शीट सी दो ली थी मैंने, ओहो इसमें ब्लैक शीट्स ही नहीं है यार, ऐसे तो ना करो शिट यार। मैंने 5 colors ये रहे ना, ये ब्लैक शीट्स ली हैं, ये इसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी। ये मैं नेक्स्ट आगे आगे वीडियोस बनाऊंगी, अपलोड करती जाऊंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने क्या चीज़ बनाई है, क्या चीज़ बनानी है, किस लिए शीट्स वगैरह लेनी थी। तो ये सारी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बनाती जाऊंगी ना उसमें पता चलता जाएगा, ठीक है। बाकी ये डबल साइडेड टेप लिए थे, ये वाटर कलर लेके आई हूँ,
मुझे मिल नहीं रहे थे, मुझे थोड़े ऐसे ना हल्के वाले चाहिए थे, जो कि मैं खुद घर पे भी अपनी पेंटिंग वगैरह खुद करती होती हूँ ना अपने लिए, तो मुझे उसके लिए चाहिए थे। बाकी कैनवास के लिए, जो मुझे कैनवास पे पेंटिंग करनी थी उसके लिए मैंने ऑनलाइन ही मंगवाने थे, मैंने देखे भी हैं, ऑर्डर भी देना है अभी उसका, ये कैनवास वगैरह का दे दिया है, बाकी पेंटिंग्स वगैरह का भी देना है मैंने। बाकी ये UHU ली थी, दो ये पेंसिल्स वगैरह ली थी, ये साहिल की हैं, बाकी ये ली थी मैंने। ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स टाइप है, इसके ऊपर हम लोग कुछ भी मतलब लिख सकते हैं, लिख के फिर हम लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं कॉपी वगैरह पे, डायरी वगैरह पे, वहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी थी तो उसमें मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये ले लिया, ठीक है। बाकी ये रिबन लिया था मैंने ब्लैक कलर में, और इनकी ये तो दो थी ना, हाँ ये ग्रीन रिबन ली है, ये फ्लावर्स वगैरह बनाने हैं तो इसके लिए, ये ब्लैक रिबन के भी मैंने फ्लावर्स बनाने हैं, और ये उसके लीव्स वगैरह लाइक स्टेम होगा उसके लिए लिए हैं। बाकी ये सबसे बड़ी, इससे छोटी, उससे छोटी, ये मेरे काम की हैं। बाकी ये एक ग्लू ली थी मैंने, वाइट ग्लू, और बाकी एक ये लिया था परमानेंट पेन, ये मुझे यूज़ में आता है, तो हिजाब पिंस और पाउडर लिया था, और मुझे क्रीम वगैरह चाहिए थी वो मुझे मिली नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट चक्कर में जाऊंगी तो फिर ले लूँगी। इसमें क्या है, अच्छा इसमें मेरा ऑर्डर आया था वो मैंने इधर ही रखा हुआ है, इसके अंदर ही डाल दिया था, क्योंकि ऑर्डर मेरा ना मेरे घर नहीं आया था, मैं किसी और के घर आया था, तो मैंने वहाँ से लिया। और ये ब्लैक कलर, रेड कलर की रिबन ली थी मैंने, इनके भी फ्लावर्स वगैरह बनेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मुझे ना फ्लावर्स बने हुए मिल जाएं मार्च से, लेकिन नहीं मिले, इस तरह से गुलदान वगैरह मिल रहे थे, लेकिन मुझे ऐसे फ्लावर्स नहीं चाहिए थे, जैसे मुझे चाहिए था वैसे मिले ही नहीं। मैंने कहा चलो फिर खुद ही बनाएंगे रिबन्स वगैरह के। ये कुछ चीज़ें मैंने ली थी खाने के लिए, ये सब जो चीज़ें ली हैं इसका टोटल बिल बना था 3180। ये स्ट्रिंग वगैरह ली थी, एक ही स्ट्रिंग ली थी मैंने, इतनी स्ट्रिंग नहीं भी थी ना, मुझे अलाउ है तो बस मैंने ऐसी ही ले ली। बाकी बिस्किट्स वगैरह लिए हैं, चोकोलावा लिया है, ये इक्लेयर का एक पैकेट लिया था, ये चॉकलेट लिए थे छोटे से, बाकी ये इलायची प्लस आसपास हम तुम तुलसी वगैरह, ठीक है। और ये कुछ चॉकलेट्स लिए थे, ये कुछ चॉकलेट्स लिए थे, ये फ्रूटेला लिया था, ये बिस्किट, ठीक है। और बाकी ये मैंने अपने लिए जौहर शांदा लिया था, मेरा गला ख़राब था तो मैंने कहा चाय में डाल के इसको पीऊँगी, ठीक है। ये थोड़ी बहुत मैं शॉपिंग करके आई हूँ आज, थोड़ी बहुत कर ली है, ठीक है, थोड़ी बहुत अभी रहती है, एक चक्कर और लगेगा फिर लेके आऊँगी। बाकी मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर्स किए हुए हैं, तो जो ऑनलाइन सामान मंगवाया हुआ है उसके जो शॉपिंग मैंने ऑनलाइन की है, तो वो मैं एक ही वीडियो में बना के फिर दिखाऊँगी। और मैंने ये मंगवाया था सोप और ऑयल मंगवाया था, ये भी मैं करवा रही थी, निकलो बाहर रही। ये ऑर्गेनिक हेयर ऑयल मंगवाया था मैंने अपने बालों के लिए, ये ना न्यू निकला है ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ना, तो ये इसका मैंने पहले सोप यूज़ किया था, बहुत अच्छा था, मेरे नेल्स पे बच जाएगा, मैंने अभी कटिंग करनी है, बहुत बड़े हो गए हैं गंदे लगते हैं बड़े नेल्स पे बहुत ज़्यादा, तो वो वाला मैंने ना मतलब सोप यूज़ किया था, वो था दानों के लिए ना, तो मुझे रिज़ल्ट मिले थे अच्छा था, तो फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने दो और मंगवाए हैं। ये है इसका है चारकोल ट्रीटमेंट सोप है, ये डीप क्लिनजिंग फॉर क्रिस्टल क्लियर स्किन, न्यू जेल बेस्ड फार्मूला, अल्ट्रा माइन एंड जेंटल ऑन स्किन फार्मूला, फॉर्मुलेटेड विथ प्योर मिल्क। नज़र में नहीं आ रहा, ये मैंने दो सोप मंगवाए थे, अब इसको यूज़ करूँगी, देखेंगे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी जो वो वाला मैंने यूज़ किया था उसके रिज़ल्ट अच्छे थे, और बाकी ये भी यूज़ करूँगी तो इसके भी रिज़ल्ट देखते हैं कैसे हैं। इस किस चीज़ के लिए है मैं देखूँ, आमला सिखा रीठा टर्मेरिक इन्फ्यूज्ड हेयर ऑयल लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर, अच्छा लॉन्ग एंड हेयर हो स्ट्रॉन्ग हेयर्स गारंटेड, अल्लाह करे मुझे फ़र्क पड़ जाए, मेरे लंबे हो जाएँ और मज़बूत हो जाएँ बाल,
इसको यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूँगी। बाकी मैंने इसका लगाया हुआ था, अगर किसी ने कोई चीज़ मंगवानी होगी तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें, मैं नंबर वगैरह आप लोगों को सेंड कर दूँगी। मैं इस चीज़ों को समेटूँ सामान वगैरह अपना सबको, फिर मैं मिलती हूँ। बाय बाय।